कानपुर नगर निगम में हाई वोल्टेज ड्रामा, नगर आयुक्त के टाइम ना देने पर हंगामा हुआ है। निगम कर्मचारियों ने शख्स को बाहर निकाला है। शख्स को बाहर करने का जो वीडियो है वो सामने आया है। दो बार पार्षद लड़ चुका है ये शख्स और ग्वाल टोली का रहने वाला है कपिल गुप्ता। इसी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से नगर आयुक्त के टाइम ना देने पर यह हंगामा देखने को मिला है। और उसके बाद जो ये हंगामा आप देख रहे हैं कानपुर नगर निगम के ऑफिस का है, और नगर निगम कर्मचारियों ने शख्स को किस तरीके से घसीटते हुए बाहर निकाला है। और शख्स को जब बाहर निकालने का जो वीडियो है अब वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नोएडा से खबर मिल रही है, धोखाधड़ी मामले में चीनी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। करीब 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गिरफ्तार चीनी नागरिक, क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। का नाम ही हाँ ओमिन, आरोपी का नाम बताया जा रहा है और आरोपी का खंगाला जा रहा है आपराधिक इतिहास। दादरी पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और करीब 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला सामने आया है और गिरफ्तारी की गई है। यहाँ पर नागरिक का नाम हारो ओमिन बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस जो है वो आपराधिक इतिहास जो है वो भी खंगाल रही है और पुलिस ने जो ये गिरफ्तारी है वो दादरी से की है। खबर गाजियाबाद से है जहां के लोनी इलाके में प्रशासन ने गैंगस्टर के आरोपी याकूब की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। अशोक विहार कॉलोनी स्थित याकूब के घर को प्रशासन ने कुर्क किया है। कुर्की की कार्रवाई आप देख रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पीलीभीत में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी जसवीर सिंह की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पुलिस ने कुर्क किया है और ये संपत्ति अवैध तरीके से पैसा कमाकर बनाई गई थी। जसवीर सिंह नाम का अपराधी अपने ढाबे से असलहों की सप्लाई और ड्रग का बड़ा कारोबार करता था, जिसको लेकर इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गजरौला थाना पुलिस ने गैंगस्टर का ढाबा और आलिशान मकान कुर्क किया। एक ड्रग माफिया है जसवीर सिंह, इनके द्वारा 2016 से पहले से बाहर से ड्रग्स ला के यहाँ बेचना और इनके ढाबा में ये सारी चीज़ें करा रहे थे। इस अवैध गतिविधियों के खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उसके तहत गैंगस्टर एक्ट भी लगाया है और शासन के नीति के अनुसार जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत उनके 7 करोड़ की संपत्ति जो अवैध ढंग से इन्होंने कमाया है उसको सीज किया गया है 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत, जिसमें उनका एक ढाबा है हाईवे पे जिस पे इन्होंने ड्रग्स बेचने के पैसा से इन्होंने उसको बनाया है और इनका मकान वगैरह कुल मिला के 7 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है आज कुर्क किया जा रहा है। सुल्तानपुर का आलिशान होटल क्यान क्लार्क धराशायी होगा। अब क्लान क्लार्क इन जो है धराशायी होने वाला है। यहाँ होटल को बनाने में कई खामियां बरतने का आरोप है। नक्शा मंजूर नहीं करने के बावजूद भी यहाँ पर मालिकों ने होटल का दूसरे तरीके से निर्माण कराया है। और ये जो खबर है ये करमपुर परवरभार के रहने वाले संदीप सिंह की शिकायत पर जिला प्रशासन ने इस होटल को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। होटल कैंप क्लास के बारे में आदेश किया गया है रिमोडिशन के लिए। एक्चुअल में ये इसका निर्माण जो मानक था, जो उसका मायक अप्रूव था, उसके कार्य नहीं हुआ था और इस संबंध में जांच करने पर एक शिकायत पर जांच कराई गई थी। जाँच करने के बाद रिपोर्ट आई थी, उनको सेक्शन 10 की नोटिस दी गई थी। नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनको दो बार रिमाइंडर दिए गए लेकिन उसके बाद न तो टर्नअप हुए और न ही उनके द्वारा कोई उसका जवाब दिया गया। तो दोनों में मालूम ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं, इनको कुछ कहना नहीं है, तो उस पर फिर कार्रवाई की गई है और इनके डिमोलिशन के लिए इनका आदेश दिया गया।